अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग यूनिट 4 आवर सेंसेस बुक पेज नंबर 26 वर्ड्स मीनिंग रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में क्या करना है वो देख लेते हैं। बुक पेज 27 यूनिट 4 आवर सेंसेस लेक्चर 3 ऑब्जेक्टिव्स बुक पेज 27 रीडिंग लर्न क्वेश्चन 1 लर्न प्रेस होमवर्क ऑन कॉपी। यूनिट लेक्चर 3 में आप लोगों ने क्या करना है, बुक पेज नंबर 27 की रीडिंग लर्न करनी है, उसके अलावा जो क्वेश्चन 1 मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको लर्न भी करना है विद स्पेलिंग एंड अपनी साइंस की नोटबुक पे एज अ होमवर्क उसको राइट भी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बुक पेज नंबर 27 की रीडिंग देख लेते हैं। योर टंग senses when something is not good to eat. Oh, that's bitter. Your sense of touch means you do not pick up things that are too hot or too sharp. Ouch, that was hot. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रीडिंग जो है वो यहीं तक करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत मज़े की एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेंस ऑफ साउंड, ये जो है ये सेंस ऑफ साउंड से रिलेटेड है उससे रिलेट करती है साउंड, ठीक है, सुनना। टेस्ट हाउ गुड योर फ्रेंड्स सेंस ऑफ साउंड इज़। आप लोगों ने इस एक्टिविटी के ज़रिए ये टेस्ट करना है कि आपके दोस्तों की सेंस ऑफ साउंड है वो गुड है या नहीं। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में ये बता देती हूँ कि आपने अपने दोस्तों ये चेक करना है कि आपके दोस्तों के कान कितने तेज़ हैं। ठीक है, पुट सम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनटू अ प्लास्टिक बॉक्स एंड क्लोज द लिड। सम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, कुछ भी, कोई भी चीज़ आपके घर में मौजूद हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, कोई भी कॉइन्स हो, उसके अलावा सैंड हो, स्मॉल पीसीज ऑफ क्लॉथ हो, दाल हो, कोई भी मतलब पेबल्स हो, पेंसिल्स हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसको एक प्लास्टिक बॉक्स में बंद करना है, उसका ढक्कन जो है वो क्लोज़ कर देना है। उसके बाद अपने फ्रेंड को कहना है कि अपने जो कान है वो उस डब्बे के पास लेके आए, वाइल यू रैटल इट, जब आप उसको खड़खड़ा रहे होंगे, ठीक है, झुनझुनाहट कर रहे होंगे जब आप उस डब्बे में पैदा। कैन दे गैस व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर इन द बॉक्स जस्ट बाई लिसनिंग। क्या आपके दोस्त सिर्फ सुन के ही उसके अंदर जो चीज़ है उसको पहचान सकते हैं। ट्राई यूजिंग दीज वन बाय वन, सैंड कॉइन स्मॉल पीसीज ऑफ क्लॉथ दाल पेबल्स एंड पेंसिल्स। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि आप इनमें से कोई भी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी थी। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ हाउ योर सेंसेस प्रोटेक्ट यू। ये मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन किया है कि टू एग्जांपल्स देनी है कि हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अपने जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी प्रीवियस पेजेस पे कि उन्होंने हमें बताया हुआ था हमारी सेंसेस जो हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि सेंसेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें एग्जांपल्स दे के बताएं कि हमें किस तरह से हमारी सेंसेस जो हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। सेंस ऑफ साइट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर। हमारी जो सेंस ऑफ साइट है वो हमें किसी भी डेंजर से, किसी भी ख़तरे से हमारी हिफाजत करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलते हुए हम किसी भी वॉल से टकरा जाएं या हम लोग रोड पे हैं किसी भी चीज़ से टकरा जाएं, अगर हमारी आंखें ना हो तो, ठीक है, हमारी जो सेंस ऑफ साइट है वो किसी भी ख़तरे से हमारी हिफाजत करती है अगर कोई भी चीज़ हमारी तरफ आ रही है। एंड सेंस ऑफ टेस्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बिटर थिंग्स। और जो हमारी टेस्ट यानी कि चखने की हिस्सा है वो हमारी किस चीज़ से हिफाजत करती है, बिटर थिंग से, कड़वी चीज़ें से, कड़वी चीज़ों से हमारी हिफाजत करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न भी करना है और एज अ होमवर्क जो है अपनी साइंस की कॉपी पे राइट भी करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, योर सेंसेस आल्सो अलाउ यू टू एक्सपीरियंस थिंग्स That are good to experience। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने सिर्फ लर्न करना है।
write down 5 things that you like to see. 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको देखना आपको पसंद है, ठीक है. Things that you like to hear, जिन चीज़ों का सुनना आपको पसंद है. You like to smell, you like to taste and you like to touch. ये जो यहाँ पे 5 दिए हुए हैं ये आप लोगों ने सिर्फ लर्न करने हैं. इनका आंसर्स अपनी नोटबुक पे एज अ होमवर्क राइट नहीं करना, ठीक है. सिर्फ हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को ही राइट करना है. क्वेश्चन 2 जो है सिर्फ इसको लर्न करना है, ठीक है. हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे. थैंक यू. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.